अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो 4 जून की शाम 4 बजे से आप लगातार अपने फ़ोन से जुड़े हुए होंगे, इसलिए कि भाई टीम इंडिया 4 जून को भारत आई T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी लेके, और आपको पल पल की अपडेट्स चाहिए थी। आपने देखा कि टीम इंडिया ने कब लैंड किया, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद वहाँ से कब मुंबई के लिए रवाना हुए, और मुंबई में विक्ट्री परेड जिसकी बात इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि 17 साल बाद विक्ट्री परेड हो रही थी, तो उसकी पल पल की अपडेट्स आपको चाहिए थी। आपको देखना था कि माहौल कैसा है, मुंबई में किस तरीके से लोगों ने सड़कें जाम कर दी थी। मैं इस समय मरीन ड्राइव के सामने हूँ और समय हो रहा है 1:01, ठीक। तो यहाँ से अब पूरा सुनसान सा रास्ता है, बस लोग आना जाना अपना कर रहे हैं। इस बीच अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपने तस्वीरें तो देखी होंगी ना कि क्या हुआ था विक्ट्री परेड के टाइम पे, कैसे एकदम पूरा भर दिया था लोगों ने, अलग तरीके से तूफान सा आ गया था, ऐसा कुछ जैसा शायद बहुत साल पहले हमने महसूस किया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ उसकी दूसरी साइड की, मतलब ठीक है विक्ट्री परेड हो गई, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इतनी सारी भीड़ जब सड़कों पे आ जाती है ना तो उनको संभालना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता, पुलिस के लिए किसी के लिए भी। हम लोग यहाँ पे थे क्योंकि मुंबई में, तो हमने देखा था कि बहुत गंदी धक्का मुक्की हुई थी। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। आलिश आप इधर से दिखाना शुरू कीजिए, तो आप ये पूरा देख रहे होंगे कि चप्पल ही चप्पल हैं और किसी के एक पैर, किसी के डबल पैर, मतलब इतनी धक्का मुक्की हुई कि आपको यहाँ पे बल्क में सैंडल, शूज़, ये सारी चीज़ें दिख सकती है। और ये सिर्फ इतना हाल नहीं है, एक बार अगर आपको सड़क का हाल भी दिखाया जाए तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है, एक चप्पल इधर पड़ी है, कोई शूज़ उधर पड़ा है, कभी यहाँ पे कोई कपड़ा पड़ा है इस तरफ तो कुछ पड़ा है। और मेन रोड से अलग अगर आप गलियों में जाए, क्योंकि जहाँ से वानखेड़े का रास्ता जाता है और जहाँ से टीम बस गुजरी तो लोग भी वहाँ वहाँ पहुँचे, ऑफकोर्स पहुँचना ही था विराट कोहली, रोहित शर्मा को देखने के लिए। तो एक बार आलिश इस तरफ भी दिखाइएगा कि इस तरफ किस तरीके से आपको इतने सारे जूते, चप्पल, कुछ लोगों के छोटे छोटे से कपड़े, ये सब दिखाई दे जाएंगे आराम से। आपको कुछ ज़्यादा अपना चश्मा लगाने की या दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम क्लियर है कि कितनी धक्का मुक्की इस पूरी परेड के दौरान हुई थी। लेकिन क्रिकेट का क्रेज़ है ऑफकोर्स, आप उसको झुटला नहीं सकते। इस तरफ देखिए कि किस तरीके से ऐसे पेयर्स में आपको दिखेंगे, बंडल्स में ये चीज़ें आपको दिखेंगी। और ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये इससे आगे का भी और इसके पीछे का भी और इन गाड़ियों के नीचे का भी है, क्योंकि इसके नीचे भी बहुत सारे पेयर्स ऐसे पड़े हैं। इस तरफ देख लीजिए कि किस तरीके से बहुत सारे पेयर्स पड़े हुए हैं। और इससे अलग जब हम लोग ये परेड देख रहे थे, हम ये लोग परेड को कवर कर रहे थे, उस दौरान भी इतनी धक्का मुक्की थी कि लोग बेहोश हो रहे थे और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। ऑफ कोर्स पानी का इंतज़ाम कैसे होगा, लोग अपनी तरफ से आ रहे हैं तो जितना ला रहे हैं उतना है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि ठीक है आप इनको पानी दीजिए, कुछ खिलाइए, लेके जाइए। ये सब देख के क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, वो हमको कमेंट्स में बताइए। और देखते रहिए दी ललन टॉप।